सदर अस्पताल में सघन वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वयं सहायता समूह प्रतिनिधियों की एक बैठक सिविल सर्जन के साथ हुई। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने एनजीओ के प्रतिनिधियों से गंभीर विमर्श किया और पूरे जिले भर में वैक्सीनेशन को लेकर सर्वे करने की बातें कही। इस बैठक में जागो फाउंडेशन, अभिव्यक्ति फाउंडेशन, सामाजिक परिवर्तन संस्थान, वनवासी विकास आश्रम, यूनिसेफ, स्कूल आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एसटीटी और बीटीटी को भी इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बाबत सिविल सर्जन ने कहा कि वैक्सीनेशन की उपलब्धियों की जानकारी के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा और यह जानकारी हासिल की जाएगी कि कितने लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। इन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर जाकर भी वैक्सीनेटेड हुए हैं, इसकी जानकारी भी सर्वे के माध्यम से इन तक पहुंचेगी। इससे यह पता चल पाएगा कि वैक्सीनेशन अभियान की उपलब्धि गिरिडीह जिले में कितनी है। क्या चीज का मीटिंग था सर? ये वैक्सीनेशन से संबंधित कोविड वैक्सीन हमारे जिले में कैसे हम 100% लोगों को दिला सकते हैं, इसके लिए सभी जो एनजीओज की हमने एक बैठक बुलाई थी और उनके सहयोग हेतु प्रखंडवार निर्देश दिया या उनको आवंटित किया कि आप अपने प्रखंड में किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करके, मोटिवेट करके और 100% टीकाकरण करा सकते हैं। इसके अलावा एक मीटिंग हम लोगों ने बीटीटी और एसटीटी के साथ किया कि जो बीटीटी अपने क्षेत्र में जाकर सभी सहिया से ड्यू लिस्ट इस तरह से बनवा सकें ताकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से बाहर रहते हैं जिनका कुछ का टीकाकरण यहाँ हो चुका है और कुछ का कहीं और हुआ है, कहीं अगर अन्यत्र हुआ है तो उसकी सूची हमें मिल जाए ताकि हम उसको स्टेट से या और इसमें देख के बोल सकें कि हमारे इतने लोगों का टीकाकरण चाहे तो हमारे ज़िले में या ज़िले से बाहर हो चुका है, ताकि हमारी उपलब्धि सुनिश्चित हो सके कि हमने इतने लोगों का टीकाकरण कर दिया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो रह रहे हैं, ज़िले में जो रह रहे हैं, हम उन्हीं का टीकाकरण कर पा रहे हैं और जो हमारे यहाँ से बाहर जाके रह रहे हैं उन्होंने टीका ले भी लिया है तो ये हमारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है और हमारा उतना ड्यूज दिख रहा है। इसी संबंध में ये हमारी दोनों मीटिंगें थी।